पहला इफ्तिताही मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 89-89 रन से हारा और 111 की कर सकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड ने 200 रन किए। अब वही बॉलिंग है, श्रीलंका की टीम उस बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। न्यूजीलैंड की टीम की इंटेंट डिफरेंट थी, उन्होंने 200 रन पोस्ट कर दिए और आज तक दो ही टीमें न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में 200 क्रॉस किए। तो आप समझते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो वेकअप कॉल थी, पहला मैच हार चुके हैं, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन, सो दे विल हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरली टू एंटर इनटू द सेमी। एब्सोल्युटली, देखिए न्यूजीलैंड ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, इट शोज कि कितना जरूरी है आपका यू नो ऊपर से जो अच्छा स्टार्ट देना। अगर आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं देते तो फिर आप कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि जो आपके मिडिल ऑर्डर्स हैं वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल दें। तो मेरा मानना यही रहेगा कि आपके पास पहले 6 ओवर्स, चाहे आप जहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वैका में खेल रहे हैं, पर्थ में खेल रहे हैं, ब्रिस्बेन खेल रहे हैं या शारजा खेल रहे हैं, पहले 6 ओवर विल रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट और जो भी टीम उसको वेस्ट करेगी वो फिर दुआओं पे चली जाएगी। नंबर दो सर, आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ये लोग बहुत प्लानिंग से खेलते हैं, हम लोगों को अभी भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं इन लोगों की प्लानिंग तक पहुँचने। ऑस्ट्रेलिया बहुत हर्ट होगा, होम सीरीज है उनकी, होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप हो रहा है उनका कंट्री में और उनके पास हारने के लिए कोई भी मैच बाकी नहीं रहा है। तो इसलिए हम देखेंगे कि वो अगले ना सिर्फ इस मैच में, अगले आने वाले सारे मैचेस में बहुत हार्ड आएंगे।